दरभंगा में चोरी की घटना की सीसीटीवी में घटना हुई कैद, चोर हुआ गिरफ्तार, पुलिस की बड़ी कामयाबी। तमाम घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दरभंगा जिले के नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार स्थित कन्हैया कुमार ठाकुर के शिव ज्वेलर्स रतन एवं ज्योतिष केंद्र नामक दुकान में दिनांक 23/7/2023 को रात के 1:42 में दो अज्ञात चोरों के द्वारा तकरीबन 5 लाख के रतन सहित अंगूठी की चोरी की गयी थी। वही संदेह के आधार पर सीसीटीवी में देखा पाया गया था कि दो नाबालिग लड़के चोरी कर, जिसके बाद दुकान में मालिक कन्हैया कुमार ठाकुर के लिखित आवेदन पर नगर थाना में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दिनांक 1/8/23 को कांड संख्या 225/23 दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुटी गई थी। वही जिसके बाद पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में शहर की सीसीटीवी फुटेज को अवलोकन करते हुए पुलिस ने दोनों नाबालिग 19 वर्षीय सिराज रहमानी पिता नियाज अहमद साकिब हयातपुर थाना सिंगवारा को चोरी की गई रकम सहित अंगूठी के साथ बरामद की है। तमाम घटना के संबंध में हमने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार से बात किया। मामला यह है कि 23 जुलाई 2023 को बड़ा बाजार स्थित शिव ज्वेलर्स के यहाँ दोपहर 1:30 बजे चोरी होती है। जब वो नींद में सो रहे होते हैं, दुकान खुली रहती है, शटर पार्शली बंद रहता है, चोर आराम से अंदर जाते हैं और सोए हुए रहते हैं, जैसे सीसीटीवी में देखा जा रहा है। और उनकी मौजूदगी में, दुकान के अंदर उनकी मौजूदगी में चोरों ने हाथ साफ कर कुछ रत्न जड़ी अंगूठियाँ वगैरह जो करीब 5 लाख मूल्य के बताए जा रहे थे उसे चुरा लिया गया। फुटेज वगैरह का अवलोकन दुकानदार ने अपने स्तर से किया, फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। फुटेज को फाइनली उन्होंने 29 तारीख को देखा, जब उन्हें कुछ सामान मिसिंग प्रतीत हुआ। उसके बाद 1 अगस्त को नगर थाना में FIR दर्ज होता है, इस चोरी के संबंध में CCTV फुटेज वगैरह खंगाला जाता है और नगर थाना अध्यक्ष अचिन सिंह की तत्परता में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर एक टीम का गठित किया गया। टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर जो भी फुटेज थे उनको खंगाला गया, चोरों के जाने के जो रास्ते वगैरह हैं उनमें और भी लोगों से पूछताछ कर चोरों के हुलिये पर काम करते हुए बड़ी तत्परता से और बहुत जल्दी इन चोरों को गिरफ्तार किया गया। एक का नाम उमन है, आमिर है, दोनों नाबालिग हैं, उन्हें जुवेनाइल होम भेजा गया है। एक और लड़का जिसका नाम सिराज रहमानी है, सिंहवाड़ा का है, कहा जाता है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि पहले भी इस तरह के कांडों में इन्वॉल्व रहा है, लेकिन कभी लगे यहाँ तो पकड़ा नहीं गया था। इस बार चोरी का माल उसके पॉकेट से बरामद हुआ है, सारे जो रिकवरी हुई है उसकी पुष्टि करा ली गई है और एक सफलता मानी जाए कि 1 तारीख को FIR रजिस्टर्ड होता है, 4 तारीख को चोर पकड़े जाते हैं, सारा माल रिकवर हो जाता है। तो 72 घंटे के अंदर मतलब ये रिकवरी होती है। उस क्षेत्र में कई बार भी चोरी हुई है, बहुत महीने लग गए, लेकिन इस बार टीम ने बहुत अच्छे से काम किया। क्या कहेंगे नगर थाना प्रभारी और उनकी टीम के? हाँ, टीम नगर थाना प्रभारी का काम सराहनीय है, टीम हमेशा अच्छा काम करती है, बार टेक्निकल इनपुट्स किए हैं, कभी कुछ लोग जल्दी मिल जाता है, कभी कुछ फाइंडिंग में टाइम लगता है। सर, CCTV फुटेज ने बहुत ही काम आसान कर दिया उस क्षेत्र में और बहुत सारे दुकानदार अभी भी नहीं लगाते हैं, पुलिस को इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिल जाता है, ऐसे दुकानदारों के लिए कोई संदेश जो व्यावसायिक होते हैं? देखिए, आप लोगों के माध्यम से ये संदेश पहले भी दिया जा चुका है, फिर कहना चाहूँगा कि CCTV जो स्वयंसेवी हैं, जो दुकानदार हैं, स्वयं की सुरक्षा के लिए अगर लगाते हैं तो उसके रिजल्ट हमेशा बेहतर होते हैं। अगर ये इमरजेंसी क्राइसिस सिचुएशन के लिए है, हर रोज़ आपको इसकी उपयोगिता समझ नहीं आएगी, इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होगी, लेकिन जब कुछ होता है। न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा।